एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाएं। नाउ लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर वन, छोटे छोटे गोल को सेट करें। छोटे छोटे गोल को सेट करने का मतलब ये हुआ कि हम सबका कोई ना कोई गोल होता है, तो हम सबका कोई ना कोई गोल होता है, हम सबका कोई ना कोई बिग गोल होता है। बिग गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल को पूरा करना पड़ता है, और जब छोटे छोटे गोल को आप पूरा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। तो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए, बिग गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल को हमें पूरा करना ही पड़ता है, जिससे कि क्या होगा, अगर आप छोटे छोटे गोल को सेट करके अपने बिग गोल की तरफ बढ़ते हो तो इससे क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आप जो चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो वो आप बन पाओगे, एंड जो भी आप करना चाहते हो वो कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिजनेसमैन हो तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आपका बिजनेस, आपने सोच लिया कि मैं कल ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ, तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन कल ही तो नहीं बन जाओगे, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा एंड हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके, तो उसी तरह से है कि हमें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, बिग गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल को सेट करना पड़ता है, और छोटे छोटे गोल को अगर आप सेट करके कोई भी काम को करते हो तो इससे आपको डिप्रेशन नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा वो मेंटेन रहेगा। तो छोटे छोटे गोल को सेट करने का मतलब ये है कि जैसे आप नाइट में सोते हो तो आपको नाइट में क्या करना है, एक नोटबुक में नोट कर लेना है, आपको नेक्स्ट डे जो भी करना है उसको आपको नोटबुक में नोट करना है कि आपको नेक्स्ट डे करना क्या है। अगर आपको स्टडी करनी है तो अगर आपको 4 आवर स्टडी करनी है, 5 आवर स्टडी करनी है, आपको स्टडी कैसे करनी है उसका प्लानिंग आपको नाइट में ही कर लेना है। या फिर अगर आप बिजनेसमैन हो या फिर आप जो भी हो तो आपको हर चीज़ का प्लानिंग क्या करना है, नाइट में कर लेना है, जो भी अगर आपको नेक्स्ट डे करना है। इससे क्या होता है कि जब आप जो भी पाना चाहते हो, अगर आप डेली का कुछ ना कुछ करते हो तो आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाते हो, और इससे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होता है, मेंटेन रहता है, और आपको डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। और हो सकता है कि आप 6 पॉइंट बनाए हो तो 6 पॉइंट में से आप 4 ही पॉइंट को पूरा कर पाओ, तो आपको ये पर आपको ज़रूर ये सोचना है कि आपने आज का जो भी कुछ किया नेक्स्ट डे आपको इससे बेटर करना है, नेक्स्ट डे आपको इससे ज़्यादा करना है, आपको ज़रूर सोचनी है, ऐसा आपको ज़रूर सोचना है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है वो मेंटेन रहता है। पॉइंट नंबर टू, आपको क्या करना है कि आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो, किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो, तो आप ये मत सोचो कि आपसे गलतियाँ हो गई, आपसे ये चीज़ें नहीं हो सकती है, बिकॉज इससे क्या होता है, आप डिप्रेस होने लगते हो। ओके, तो अगर आप गलतियाँ कर भी रहे हो तो आप नई चीज़ों को सीख रहे हो। हो सकता है अगर आप किसी भी चीज़ को करना चाहते हो तो वो चीज़ें आपसे 1 बार में ना हो, 2 बार में ना हो, 4 बार में ना हो, 5 बार में ना हो, हो सकता है आपको आपसे वो 6 बार में हो जाए। तो किसी भी चीज़ से आप हार मत मानो, किसी भी चीज़ से डरो मत कि आपसे ये चीज़ें नहीं हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा कपड़ा होना चाहिए, कपड़ा वैसा होना चाहिए जो आपको एक अच्छा लुक दे, जिससे आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगे, वैसे कपड़े होने चाहिए। और कपड़ा क्या होना चाहिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कपड़ा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और प्रेस होना चाहिए, क्लीन और प्रेस जरूर होना चाहिए। और ऐसे कपड़े पहनने से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो क्या हो जाता है, इनक्रीज कर जाता है। पॉइंट नंबर 4, आई कॉन्टैक्ट करके बात कीजिए। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आई कॉन्टैक्ट करके बात कीजिए। अगर आप आई कॉन्टैक्ट करके बात करते हो तो इससे सामने वाले को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, और आप जो जिस भी बारे में बात कर रहे हो आप इंटरेस्टेड हो, तो आप आई कॉन्टैक्ट करके ही बात करो। पॉइंट नंबर 5, अपने गोल को हमेशा याद रखिए। आप जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हो, जिस भी गोल को पाना चाहते हो, उस गोल को हमेशा याद रखिए, एंड मैं ये कहूँगी कि आप जो भी कुछ बनना चाहते हो उससे रिलेटेड आप पोस्टर लगाओ, उससे रिलेटेड पोस्टर अपने रूम में लगाइए, जिससे कि क्या होगा कि आप उसे हमेशा देखोगे, उसे आप हमेशा देखते रहोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है, मुझे ये बनना है तो मुझे उसके लिए करना क्या है। तो इससे क्या होगा कि आप हमेशा
हमेशा आपको याद रहेगा, आपके माइंड में हमेशा रिकॉल होते रहेगा, जिससे आप को कोई डिप्रेशन कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आप अपना काम टाइमली कर पाओगे। तो उससे रिलेटेड पोस्टर लगाइए या फिर आप कुछ अपने या फिर आप कुछ लिख कर लगाइए, जो भी आप करना चाहते हो, जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हो। पॉइंट नंबर 6, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप जो करना चाहते हो, आप जो बनना चाहते हो, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप क्या जानते हो, आप क्या जानते हो, आप कैसे हो, आप किस तरीके के इंसान हो, ये आपको खुद पता होना चाहिए, तो ही आप किसी भी गोल को किसी भी चीज़ को पा सकते हो और किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, एक्सरसाइज जरूर करो। मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो एक्सरसाइज जरूर करो। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, आपका बॉडी जो है वो हेल्दी रहता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।